राकेश सिंह रघुवंशी, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना। तो गुरुग्राम में आने का क्या मकसद है? आज गुरुग्राम में जो हमारी कार्यकारिणी अध्यक्षा हैं श्रीमती सुशीला शेखावत सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजन की गई है और समस्त भारत से जितने भी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, वह सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो क्या लगता है कि हत्या के पीछे षड्यंत्र? हत्या के पीछे राजनीतिक एक षड्यंत्र है और इस राजनीतिक षड्यंत्र में बड़े बड़े चेहरे बेनकाब होंगे, क्योंकि NIA जांच कर रही है। अभी बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन जब यह पर्दा खुलेगा तो बड़े बड़े लोग इसमें शामिल आपको दिखाई देंगे। तो उनकी हत्या के बाद जो है, क्या तेवर वही रहेंगे? करनी सेना ही करनी सेना देखिए तेवर वही है, उससे भी ज़्यादा ज्वालामुखी और आपको दिखाई देगा। करनी सेना तेवर का मतलब ये नहीं मत समझ लीजिएगा कि करनी सेना लाठी डंडा लेकर के मारपीट करती है किसी समाज के खिलाफ या अलोकतांत्रिक तरीके की कोई बात करती है, मर्यादित भाषा का प्रयोग करती। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी एक भारत एक चेहरे थे, उन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया था। वो जन्मे थे छत्री समाज में, छत्री के घर में, लेकिन उन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया था। तो करनी सेना तभी आवाज़ उठाती है जब उसको कोई अत्याचार करता है, जब अत्याचार के बाद भी वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को पालन करती है, अगर उसके बाद कोई नहीं मानता है तो सुखदेव दादा ने खुद एक अपना संविधान बनाया था करनी सेना के झंडे के नीचे, उस संविधान का जब पालन होने लगता है तो पूरे देश में तांडव हो जाता है, तो वो भी करेगी करनी सेना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आंदोलन एक पद्मावत था, दूसरा आंदोलन मैं बता देता हूँ जो सर्व समाज के लिए फायदामंद हुआ। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की लड़ाई वो लड़ रहे थे, जैसा कि आप पूरे भारत में आपने देखा कि रिजर्वेशन अन्य OBC SC को मिलता है लेकिन जनरल समाज को कभी रिजर्वेशन नहीं मिला, लेकिन सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में आंदोलन किया गया, उन्होंने खुद किया आंदोलन नेतृत्व, और उसके बाद 2019 में मोदी सरकार ने उनके आंदोलन को देखते हुए 10% रिजर्वेशन दिया सवर्णों को, और उस 10% रिजर्वेशन से सवर्ण समाज के बच्चों को नौकरी में, आयु में और जमीन प्लाट मकान में उनको छूट मिली। तो एक बड़ा आंदोलन तो सबसे बड़ा ये रहा उनका। दूसरा इतिहास संरक्षण की लड़ाई उन्होंने लड़ा, जैसे इतिहास आजकल चोर पैदा हो गए हैं कि वो कहते हैं मेरे महापुरुष, उन्होंने बताया सबको कि हमारे जो हमारे कौम में जन्मे हुए जो महापुरुष हैं क्षत्रिय समाज में, वो सभी समाज के लिए काम करते हैं, उन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया, तुम्हारे भी उतने ही हैं जितना हमारे हैं, लेकिन उनकी जाति उनकी वंशावली मत बदलो। तो उन्होंने बहुत ऐसे बड़े बड़े काम किए, आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात किया उन्होंने। एट्रोसिटी एक्ट में उन्होंने कहा कि भाई एट्रोसिटी एक्ट में अगर कोई हमारे क्षत्रिय समाज का लगता है कि वो गलत है, उसने किसी SC समाज के साथ गलत किया, उसको बीच चौराहे पर लटका करके फांसी लगा दो गोली मार दो, लेकिन अगर वो गलत नहीं किया है तो हम उसको जेल भी नहीं जाने देंगे, उन्होंने संशोधन की मांग किया था। तो एक बड़ी लड़ाई सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने सर्व समाज के लिए लड़ा और आगे भी जारी रहेगा, हमेशा जारी, अनवरत चलता रहेगा।